हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष तिवारी। वेलकम यू ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, कैसे बोले हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में तो बहुत बेहतर आती है, बट दे कांट स्पीक प्रॉपरली, इवन नॉट प्रॉपरली, दे कांट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बोल ही नहीं पाते हैं। एक झिझक सी मन में होती है, एक डर सा मन में होता है, बट दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेरी इजली, समझ लेते हैं बहुत आसानी से, जो भी आप बोलते हैं वो समझ, पढ़ते हैं समझ लेते हैं, सुनते हैं समझ लेते हैं, बट दे कांट स्पीक, बोल नहीं पाते। सो हाउ कैन वी एम्यूलेट, हाउ कैन वी इंप्रूव आर स्पीकिंग स्किल्स, आज के सेशन में उसी पर बात करने वाले हैं। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या वो तरीका होना चाहिए, कौन कौन से आपको फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश ना, या व्हेन यू वांट टू मैच्योर योर कन्वर्सेशन, आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, आज उसी के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए सेशन के साथ विदाउट बींग लेट, और जुड़ने के साथ साथ आपकी एक जिम्मेदारी है, वो भी आप करेंगे, सेशन को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी करके रखिए, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलने वाली है ना। तो सब्सक्राइब भी करके रखिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि और भी लोग इस चैनल का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से। और आज का पॉजिटिव थॉट क्या कहता है, आज का पॉजिटिव थॉट आपके बारे में बात करता है, You are stronger than you think. आप जितना अपने बारे में सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग। अगर आपको ये लगता है कि आई कांट डू इट ना, हाउ कैन आई डू इट, अगर इस तरीके का ख्याल आपके मन में आता है, जस्ट लीव दैट थॉट, बिकॉज यू आर स्ट्रांग एनफ देन यू थिंक। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप स्ट्रांग हो, उससे कहीं ज्यादा आप कैपेबल हैं, बस आपने अपने आप को कम समझ लिया है, आपने ये सोच लिया है कि आई कांट डू इट, मैं इसको कर नहीं सकता, इसलिए आप पीछे रह रहे हैं। अगर आप इस विचार से बाहर आ जाएं, अगर आप इस थॉट से बाहर आ जाएं, तो आप बिलीव करिए आपसे बेहतर परफॉर्मर कोई नहीं होगा, आप जरूर कर लेंगे अच्छा, अपने ऊपर भरोसा रखिए। मैं बार बार कहता हूँ, बचपन में आपने देखा होगा एक टीवी सीरियल आता था शक्तिमान, उसका जो टाइटल सॉन्ग था ना, उसमें एक लाइन बजती थी, होता है आदमी को जब अपना ज्ञान कहलाए वो शक्तिमान। वही वाला शक्तिमान बनना है, जिस दिन आप अपने आप को जान गए कि क्या आपका पोटेंशियल है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उसी दिन आप शक्तिमान बनेंगे, और उसी दिन आपकी सफलता दौड़ कर आपके पास आएगी, आना ही पड़ेगा उसको, इसलिए अपने आप को पहचानिए। चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं कि क्या क्या हमको करना चाहिए व्हेन वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, व्हाट स्टेप्स वी कैन फॉलो फॉर दिस प्रोसेस, क्या स्टेप हमको फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। सबसे बड़ी गलती हमारी यही, हम बहुत डरते हैं, हमको लगता है अगर गलती हो गई तो ना, हम पढ़ तो रहे हैं बट अगर हम नहीं कर पाए तो, हमसे नहीं हो पाया तो ना, नहीं कर पाए, बोले गलत हो गया, सामने वाला हंस लिया, तो भाई हंसने दो ना, बोलने दो, करने दो, वो और कर भी क्या सकता है सामने वाला, वो आपकी बातों को सुन के हंस ही सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो खुद भी नहीं बोल पाता और वो ट्राई भी नहीं कर रहा है, इसलिए तो वो हंस रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं, वो तो ट्राई भी नहीं कर रहा है। इसलिए डरना नहीं है बोलते समय, आप जब भी बोलने की कोशिश करेंगे, सही होगा गलत होगा, देखो गलत से ही सही का रास्ता आता है, जब आप गलत होते हैं तभी आपको सही रास्ते की पहचान, तभी आपको पता चलता है क्या इंप्रूव करना है, क्या सही करना है, क्या क्या करेक्शन आएगा। इसलिए गलतियों से नहीं डरना है, गलती होगी, होने दीजिए होने दीजिए होने दीजिए, आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, ये नहीं कि दिन भर में एक सेंटेंस बोल रहे हैं, ये नहीं करना है कि दिन भर में एक सेंटेंस बोल रहे हैं, आधा सेंटेंस बोल रहे हैं, नहीं। अब अगर आप बोल रहे हैं तो फिर बोलिए कायदे से ना, बोलने की कोशिश करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इवन जब आप ग्रामर इंप्रूवमेंट की बात करते हैं ना, कि ग्रामर हमारा वीक है, तो भी यही फैक्टर सामने आता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मेच्योरिटी उस लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी आएगी। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही परफेक्शन आपको आएगा। तो अपने मन से वो झिझक निकाल दीजिए, अपने मन से वो डर निकाल दीजिए ना, प्रैक्टिस खूब करिए, इंप्रूवमेंट निश्चित तौर पर होगा। इसके अलावा द थर्ड पॉइंट इज लिसन,
लिसन प्रॉपरली। जब भी आप किसी नई लैंग्वेज को सीखने जाते हैं ना, उस लैंग्वेज को प्रॉपरली सुनना सीखिए जो लोग बोल रहे हैं। अब बोल कौन रहे हैं, जैसे न्यूज, जो इंग्लिश न्यूज आते हैं उनको सुनिए, जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन डायलॉग्स होते हैं मूवीज के उनको देखिए ना। इसीलिए इंग्लिश मूवीज को सजेस्ट किया जाता है कि आपको उनको देखना चाहिए, कि डायलॉग डिलीवरी सिर्फ लैंग्वेज आ जाने से नहीं होता, लैंग्वेज वो परफॉर्म कैसे होगी, कैसे हम बोलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब दूसरों को सुनते हैं बोलते हुए, तो आपको आइडिया लगता है कि मुझे कैसे अपने सेंटेंस फॉर्म करने हैं, मुझे कैसे इस पर बोलना है, वो भी आइडिया आपको लग जाता है। इसके अलावा सेलिब्रेट सक्सेस, अगर छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके बन रहे हैं ना, आपको एक कन्वर्सेशन जैसे 2 लाइन का 4 लाइन का भी अगर इजिली आपने कर लिया, तो खुश हो जाया करिए, अपने आप को मोटिवेट किया करिए कि वाह शाबाश तुमने कर दिया ना, इस तरीके का करना चाहिए। ये आपको मोटिवेट करना करता है। ये मत सोचेगा अरे 2 ही लाइन का था तो बोल लिया तो क्या अच्छा किया, नहीं भाई 2 लाइन भी बहुत है, 2 लाइन बहुत लोग नहीं बोल पा रहे। अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी आप बोल रहे हैं, कुछ भी आप सही बोल रहे हैं, तो सेलिब्रेट करिए, खुश हो जाइए कि आपने किया, इसका मतलब आगे भी हो सकता है और भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा थिंक इन इंग्लिश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है ना, जो मदर टंग है, जो प्राइमरी लैंग्वेज है, दैट इज हिंदी। हिंदी है या अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा है, भारत में तो कई सारी भाषाएं हैं। और जब हम सोचते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, थ्रू मदर टंग, मदर टंग के थ्रू आता है थॉट प्रोसेस। बट इफ वी स्टार्ट थिंक इन इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें, जैसे कोई चीज, सपोज मैं ऐसे बैठा, मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, उसको ट्राई करूंगा कन्विंस करने का कि वो मेरा काम कर दे। फिर आपने तुरंत सोचा कि यार अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूंगा तो क्या कहूंगा, आई विल गो देयर एंड आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम टू डू माई वर्क। हाँ ऐसा ही कुछ बनेगा। अपने आप से बात करना शुरू करिए, प्राइवेट कन्वर्सेशन करना शुरू करिए, अपने आप से बात करना शुरू करिए ना। जब आपका थॉट प्रोसेस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आएगा, तो ऑब्वियस है वो लैंग्वेज इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, और बेहतर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, गारंटीड इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, बात मानिए मेरी। इसलिए सोचने का काम भी उसी लैंग्वेज में करना, और फिर वही वाला, जब आप सोचेंगे ऑब्वियस है अपने आप से बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइवेट स्पीच जिसको हम बोलते हैं, अपने आप से बात करना। जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप से बात करेंगे, अच्छा अपने आप से बात करने में कोई झिझक भी नहीं, क्योंकि वहां कोई सही और गलत या हंसने वाला तो कोई है नहीं हमारे ऊपर ना। हम अपने आप से जब बात कर रहे होते हैं तो हमको, हमारे ऊपर हंसने वाला तो कोई होता नहीं, हम एकदम फ्री होते हैं भाई, हम अपने से बात कर रहे हैं, अपने से समझ रहे हैं, जो कुछ भी होगा सही होगा गलत होगा वो हमारा है। तो हमारा जो झिझक है ना, जो जो हमारा एक शाइनेस है ना, वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम बेहतर कर लेते हैं अपने आप से जब हम बात करते हैं। तो इसलिए ट्राई टू स्पीक योरसेल्फ, अपने आप से बात करने की कोशिश करिए। और जब अपने आप से बात करते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे क्रिटिक होते हैं, आप अपने सबसे अच्छे क्रिटिक हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है क्या गलत है और क्या सही है, इसका आइडिया आपको तुरंत लग जाता है। तो जो गलत होगा उसको आप इम्प्रूव भी करते रहेंगे। इसके अलावा टंग ट्विस्टर्स के लिए ना, बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स हैं जो आप वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस। जैसे द 33 थीव्स थॉट दैट दे थ्रिल्ड द थ्रोन थ्रू आउट थर्सडे ना, आप इस तरीके का टंग ट्विस्टर्स भी कर सकते हैं। ये क्या करता है जानते हैं, टंग ट्विस्टर्स क्या करता है, टंग ट्विस्टर्स एक तो लैंग्वेज पर कमांड आपकी डेवलप करता है, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका है, इट इंप्रूव्स योर कॉन्फिडेंस, ये आपके कॉन्फिडेंस को और बेहतर करता है। इसलिए टंग ट्विस्टर्स अगर है आपके पास, या अगर टंग ट्विस्टर्स नहीं है तो गूगल पे जाके सर्च करिए, हजारों टंग ट्विस्टर्स है, उनको उठाइए और प्रैक्टिस करिए बोलने की, ये कॉन्फिडेंस देते हैं आपको, इसलिए इनको भी करिए, ये इंप्रूव भी करेंगे आपको। फिर वही बात आई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब आप बोलने पर आ ही गए, जब इस लैंग्वेज को परफॉर्म करने पर आ गए, तो जब भी आप बोलिए, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स, एटलीस्ट 1 or 2 सेंटेंसेस ना, जो भी आप बोल सकते हैं, ट्राई टू स्पीक दोज वर्ड्स, ट्राई टू स्पीक दोज सेंटेंसेस, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, सही है गलत है छोड़ो, बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। और जब आप एक बार बोलेंगे गलत होगा, दूसरी बार बोलेंगे, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो जो झिझक है मन से वो बाहर आ रही है, दूसरा आप इम्प्रूव भी तो करेंगे, आपको पता चल गया कि भाई ये वाला मैंने गलत बोल दिया था इसको ऐसे बोलना है, ये वाला मैंने गलत बोला था इसको ऐसे बोलना है ना, वो भी आपको पता चल जाता है, इंप्रूवमेंट भी होगा और झिझक जो आपकी मानसिक परेशानी है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करनी है, कहीं मौका मिले बोलने से नहीं चूकना है, कहीं मौका मिले बोलने से नहीं चूकना है। कहा जाता है किसी भी नई चीज को सीखने के लिए बेशर्म हो जाना होता है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हंसेंगे बोलेंगे, डजंट मैटर, सोचते ही नहीं, हम बस अपनी धुन में लगे रहते हैं, पागलों की तरह लगे रहते हैं,
तब वो चीज बेहतर होती है। इसलिए ट्राई टू स्पीक एवरी डे एटलीस्ट 3 और 4 सेंटेंसेस ना इन योर कन्वर्सेशन। जैसे ही कन्वर्सेशन करें, 1 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस ट्राई करिए कि आप उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। डजंट मैटर, लोग हंसेंगे, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम इम्प्रूव कर लेंगे, अगली बार सही आएगा, बट मेरा हो जाएगा, जो हंस रहा है वो ऐसे ही रह जाएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। यूज टेक्नोलॉजी, देर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव जिनका हम यूज कर सकते हैं ना टू स्पीक इंग्लिश। लाइक देर आर मेनी एप्स जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आप बोलिए, उधर से वो कन्वर्सेट करेंगे ना, या आप रिकॉर्डिंग पे खुद ही बोलिए, खुद ही रिकॉर्ड कर लीजिए, मतलब बोल रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, क्या बोल रहा था मैं, अब उसको पूरा सुन लिया, सुनने के बाद में सॉरी रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद में फिर सुना, अच्छा मैं जो बोल रहा था उसमें कितनी चीजें सही बोला था, कितनी चीजें गलत बोला था, वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा ना। ये भी करना है, यानी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है, वो टेक्नोलॉजी जो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है, जो आपको बेहतर बनाने के लिए, उनका तो जरूर 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 उपयोग कर लेना है। इसके अलावा रीड आउट अलाउड, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, उनको बोल कर पढ़िए। बोलने से क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, आपके बोलने की शैली और बेहतर हो जाएगी ना। और जब आप बोल कर पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी वर्ड को मिस नहीं करते, जैसे जब मन में पढ़ रहे होते हैं ना, तो देवी आप करने लगते हैं, जो बड़े वर्ड है उनको आप स्किप करते जाते हैं, लेकिन जब आप लाउड रीडिंग करते हैं तो स्ट्रेस, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, इन तीनों पर आपका पूरा फोकस होता है, प्लस आप कोई वर्ड मिस नहीं करते, आप उसको बैठा कर पढ़ते, ये ऐसे 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 होगा। तो आपके इंप्रूवमेंट के लिए बेहतर है कि आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसको आप बोल कर पढ़िए ना, तेजी से बोल कर पढ़िए, ठीक है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करना, जैसे नए वर्ड्स ना, नए वर्ड्स सीखने की जरूर कोशिश करिए, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू कन्वर्सेशन विद एनीवन ना, थ्रू टेलीविजन, थ्रू फिल्म, कहीं से भी आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं। आप आजकल तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप देखते हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं, नहीं तो आप इस चैनल पे, जिस चैनल पे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस चैनल पर डेली मैं आपके लिए वोकैबुलरी की क्लास लाता हूँ, आप यहाँ भी मेरे साथ नए वर्ड सीख सकते हैं। तो डेली नए वर्ड सीखने की कोशिश करिए, और ट्राई करिए जो वर्ड्स आपने सीखा है उनको अपने सेंटेंसेस में यूज भी कर लें, सिर्फ सीखे नहीं, उनको अपने सेंटेंसेस में यूज भी कर लें, पर्टिकुलरली उनका यूज करना सीखिए, तब वो वर्ड्स याद होने शुरू होंगे। रटने से चीजें मिस हो जाएंगी एक समय के बाद, लेकिन अगर आप उनको यूज करते रहेंगे अपने सेंटेंसेस में, अपने कन्वर्सेशन में, तो वो पक्की हो जाएंगी, वो बैठ जाएंगे हमेशा के लिए, आपका आपका इम्प्रूवमेंट होने लगेगा उनको करना। और वही चीज जो मैंने आपसे बताया कि फिल्म देखिए, न्यूज सुनिए, या कोई इंग्लिश में, आजकल तो इतने सारे ओटीटी चैनल्स हैं जहां आपको इंग्लिश चैनल्स मिल जाते हैं, वहां पर जाइए, उनके जो सीरियल्स हैं वो देखिए ना, जो कन्वर्सेशनल पार्ट है उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए, वो आपको इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो आपको बोलने की शैली भी देगा, प्लस नए वर्ड्स भी आपको बताएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताएगा, बोलते समय कैसे एक्सप्रेशन होने चाहिए उनको भी बताएगा। इसलिए प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म होता है, और आपका एंटरटेनमेंट साथ साथ होता ही रहेगा, आपको बोरियत भी नहीं होगी, आप उबेंगे भी नहीं। तो फिल्म देखिए, सीरियल्स देखिए, न्यूज सुनिए, ये सारे काम आपको करने चाहिए फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा मेक फ्रेंड्स, जो आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं ना, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करिए। अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहां बात करने की अनुमति, आजादी आपको होती है, फ्री में, पेड वाले नहीं, फ्री में, जहां आप कॉल करते हैं और फ्री में बात करते हैं, सामने जो टेलीकॉलर है उससे आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में, वो आपके इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करता है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं इंग्लिश में ना, जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है वो आप कर सकते हैं, जैसे कोई बुक क्लब ज्वाइन कर लिया आपने, या जो कुछ भी आपको लगता है, कम्युनिकेट कर लिया किसी से इंग्लिश में, जो कुछ भी आपको बेहतर लगता है वो करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। एक्टिविटीज हमेशा आपका इंटरेस्ट बढ़ाती हैं किसी काम में। इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंटरेस्ट, यू मस्ट हैव टू डू द एक्टिविटीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, नॉट द वन, एक तरीके के नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। सेम एक्टिविटी करेंगे तो धीरे धीरे फिर बोर हो जाएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, वो आपके इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है आपकी लर्निंग भी बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी ना, ये भी करना चाहिए। इसके अलावा डिबेट करिए, लोगों से बात करने की कोशिश, खुद से बात करने की कोशिश करिए, लोग नहीं बात कर रहे हैं कोई बात नहीं, मैं बात करना चाहता हूं, मैं बात करूंगा ना, इस तरीके का अप्रोच। और जब बात करिए तो उसमें ट्राई करिए कि आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाकर बोलें, इंग्लिश के वर्ड्स आप उसमें यूज करें जितना, चूंकि सीखना आपको है, दुनिया को नहीं सीखना, सीखना आपको है, जितना ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स उसमें इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा वर्ड आप उसमें यूज करेंगे, उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए वो सेगमेंट होने वाला है। इसलिए
डिबेट में शामिल होइए, आर्ग्यूमेंट करिए, सामने वाले को सुनिए। अगर सामने वाला बोल रहा है तो सुनिए वो कैसे बोल रहा है, वो अपनी बात को कैसे रख रहा है। वही चीज आप भी अपने ऊपर अप्लाई करिए, देखिए रिजल्ट बेहतर आना शुरू हो जाएगा ना, ये भी करने की कोशिश करिए। इसके अलावा डिक्शनरी डेली आपको चाहिए कि डिक्शनरी का यूज करना, खासकर आजकल मोबाइल में डिक्शनरीज आ गई है ना, उसमें कई सारे ऐसे क्रॉसवर्ड गेम्स हैं, पजल गेम्स हैं, कई सारे गेम्स हैं, उनको खेलते रहा करिए, नए नए वर्ड सर्च करते रहा करिए, खोजते रहा करिए, डिक्शनरी से टच बनाकर रखिए। डिक्शनरी ही आपको नए वर्ड्स प्रोवाइड कराएगी, और उसमें जो गेम आते हैं, जो आजकल मोबाइल में ऐप में डिक्शनरीज आती है ना, उनमें जो गेम आते हैं उन गेम्स को खेलने की कोशिश जरूर 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 करिए। वो आपको इंटरेस्टिंग तरीके से वोकैब लर्न कराते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्सेट इंग्लिश प्रॉपरली। अगर आप करना चाहते हैं प्रॉपर कन्वर्सेशन, प्रॉपर स्पीकिंग आप सीखना चाहते हैं, यू मस्ट हैव टू डू दीज एक्टिविटीज, यू मस्ट हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ना, ये जरूर बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। एक एक करके जो चीजें मैंने बताई, अगर आप एक बार सुन लिए हैं, दोबारा भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि अब तो वीडियो आपको मिल ही जाएगा, दोबारा भी आप इनको सुन सकते हैं ना, लेकिन इनको एक एक करके अप्लाई करने की कोशिश करिए, और फिर देखिए रिजल्ट अच्छा आता है कि नहीं। बिल्कुल अच्छा आएगा ना, और अच्छा ही आना चाहिए, क्योंकि यही एक ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करके अपने स्पोकन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ने के लिए आप देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल गया, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर डेली प्रैक्टिस भी आपके लिए होती है, ग्रामर की प्रैक्टिस हो गई, स्पोकन की प्रैक्टिस हो गई, वो सारी चीजें, सारी प्रैक्टिस आपको वहां पर मिलेंगी। तो आप इस चैनल से भी जुड़ जाएंगे ताकि आपको एक और जगह से हम फायदा पहुंचा सकें, ठीक है? तो चैनल से भी जुड़ जाइए, और इसके अलावा डेली सेशन आपको मिल रहा है यूट्यूब पर, फ्री सेशन शाम 7 बजे यूट्यूब पर फ्री सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें वोकेबुलरी पर, अभी तो सीधा सीधा वोकैब पर काम कर रहे हैं, हमको नए वर्ड्स आपको लर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रू इंटरेस्टिंग मेथड से आपको नए वर्ड लर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको फायदा भी हो रहा है, इसलिए जुड़िए जरूर शाम 7 बजे, हर दिन शाम 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ ना, भूलिएगा नहीं। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिए, मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हैं करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको और बेहतर वीडियोस स्पोकन पर, ग्रामर पर ना, और अलग अलग एस्पेक्ट जो इंग्लिश के हैं उन पर आपको वीडियोस मिलती रहे, फ्री वीडियोस आपको फायदा पहुंचाती रहे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।